जनपद मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित मोक्ष धाम से अस्थि गायब होने के बाद मचे हंगामे की सूचना पर थाना मंझोला पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मोक्ष धाम में लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से जांच में जुट गई है। दरअसल आज सुबह लोकशेड स्थित मोक्ष धाम अस्थि लेने पहुंचे परिजनों के होश उस समय उड़ गए जब उनके अपने की अस्थियां मौके से गायब मिली। अपने की अस्थियां गायब होने पर परिजन आग बबूला हो गए और शमशान घाट के प्रबंधक कमेटी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और अपने अन्य परिजनों को भी मौके पर बुला लिया। दरअसल 26 अगस्त को शमशान घाट की चौकी नंबर 3 पर दाह संस्कार किया गया था, जिसकी अस्थियां लेने के लिए परिजन आज सुबह शमशान घाट पहुंचे थे। अस्थियां न मिलने से परिवार की महिलाओं का रो रो के बुरा हाल था। उन्होंने इसकी सूचना थाना मंझोला पुलिस को दी और प्रबंधक कमेटी पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया। कुछ देर बाद ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और कमेटी के लोगों से पूछताछ में जुट गई। वहीं एक टीम मोक्ष धाम में लगी सीसीटीवी की जांच करते हुए कार्रवाई में जुट गई। मेरा नाम भजनलाल है, बुद्धि विहार। क्या मामला हुआ है? हम 25 तारीख में अंत्योष्टि करने के लिए आए। लेडी थी मेरी सास थी, अब 27 में हम आते हैं अस्थियाँ लेने के लिए। हमें अस्थियाँ दे दी गई, अब ये आ रहा है कि हम गलत ले गए। ये लोग कह रहे हैं जो दूसरे वाले हैं कि हम 26 में यहाँ पे अंत्योष्टि करके गए। अच्छा, आपको अस्थियाँ किसने दी थी? हैं वो सामने बैठे हैं इनको। हाँ, यही के कर्मचारी हैं, यही के कर्मचारी। हमने इनको स्लिप दिखाई है 3 नंबर की। तो मतलब आप किसकी अस्थि लेकर? जेंट्स की गई है। जिस हिसाब से बता रहे हैं वो तो जेंट्स की हैं, लेकिन हमें तो बताया कि हमारी अस्थियाँ हैं वो। हम उनको लेकर ब्रजघाट चले गए, उनका विसर्जन करिए। ये यहीं के लोगों की है। क्या नाम? मेरा दीपक जोशी। क्या मामला है, क्या हुआ यहाँ पर? मेरे पापा मुकेश जोशी एक्सपायर हुए थे 25 तारीख को। 26 तारीख को हम अंतिम संस्कार करके गए यहाँ पे 3 नंबर उस पर। कौन सी जगह है ये? मोक्ष धाम लोको स्टेट। यहाँ पे जब हम आए हैं तो यहाँ पे हमारी अस्थियाँ नहीं थी, कोई हमारी अस्थियाँ यहाँ से ले गए और इनसे इंचार्ज से सबसे पता करा। वो कह रहे हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, हमें नहीं पता कि कौन लेके गया है कौन नहीं। रजिस्टर में सब में एंट्री है और एक ही नंबर दो जगह डाल रखे इन्होंने और एक ही डेट में। 25 तारीख को भी डाला हुआ है, 26 को भी डाला हुआ है। अब क्या कह रहे हैं? अब कुछ नहीं कह रहे, कह रहे हमें पता ही नहीं है कि कहाँ गए हमारा कहानी। अभी तो पुलिस को बुलाया हमने, पूछताछ कर रही है पुलिस। अभी तो देखो पूछताछ ही हो रही है। पटेल नगर भैया, सूचना मिली थी हमें कि मतलब किसी यहाँ पर शमशान घाट में पुल के नीचे अस्थियाँ गायब हो गई है। तो हमें 100 नंबर पर सूचना मिली, हम यहाँ आए, हमने आला अधिकारियों को सूचित कर दिया है, वो मौके पर आने वाले हैं। आपने इनसे पूछताछ करी, क्या कह रहे हैं इनके? ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है, जो हमारा गार्ड है उसे पता है, वो पर्ची लेके और यहाँ से उठवा देता है। तो क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई आला अधिकारियों को हमने सूचित कर दिया है, थाने की गाड़ी आ रही है, थाना पुलिस को थाना अध्यक्ष साहब यहाँ पर पहुँचने वाले हैं 5-10 मिनट में।